वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपको मैन्युअली स्टिरअप्स बनाना है, सपोज एक स्टिरअप्स हमको बनाना है 270x170 का, और सेकंड एग्जांपल हम दे रहे हैं 270x270। अभी ये सब जो है मेकिंग करने के लिए हम साइट पे आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट क्या होती है मैन्युअली बनने के लिए, हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का गुटका ले लेंगे, ये लकड़ी का एक गुटका ले लेंगे चौड़े में, ठीक है। उस पर क्या करेंगे हम, एकदम आउटर साइड में एक लकड़ी का गुटका मार देंगे एक और इसके ऊपर, क्योंकि जब हम स्टील अपनी इस तरह से यहाँ पे रखेंगे तो उसको रुकने के लिए ये मार देते हैं। अभी ये सब हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब करना क्या है, अगर इस साइज का स्टिरअप्स बनाना है तो हमें क्या क्या करना है, तो देखिए 170 और 270 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक किल इस जगह गाड़ेंगे, अब यहाँ से 170 पे एक किल यहाँ गाड़ेंगे, ठीक है, और इसी से 270 पे एक किल यहाँ गाड़ देंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा गड़बड़, क्यों बताते हैं। सपोज स्टिरअप्स अगर 8 डाया का है और ये 10 डाया का, दो एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, 8 डाया का है, जब इससे इसके बीच की दूरी 170 होगी तो ऑफिस ही बात है कि 8 mm इस साइड से आपकी सर रिंग बड़ी हो जाएगी और 8 mm इस साइड से, मतलब जो रिंग बननी थी 170 की वो बन के तैयार हो जाएगी 186 की, ठीक है। कैसे, वो आप एग्जांपल में देख लीजिए, ये है हमने 170 पे कील ठोका तो यहाँ तक 170 आया, और जो 8 mm का ये इसके ऊपर, ये जो कील है इसके ऊपर ना चढ़ेगी ये सरिया, इसके ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। तो ये 8 mm इधर ऐड होगा, 8 mm इधर होगा, तो हमारे जो स्टिरअप्स का ये लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 170 के जगह पे 186। अब हमको तो चाहिए 170, तो क्या करेंगे, ये जो कील है इसके बीच की डिस्टेंस को हम कम करेंगे, कितना 16 mm, 8 mm इस साइड से और 8 mm इस साइड से, तो इस साइड हमारा जो होगा 170 में से 16 माइनस होगा तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 1 गया 5, यानी 154। तो इस जगह से इस जगह की डिस्टेंस 154 और इस जगह से इस जगह की डिस्टेंस 270 की जगह पे 254 होगा, ठीक। अब हम इसमें स्टिरअप्स अपनी मेकिंग करेंगे, कैसे मेकिंग करेंगे, सबसे पहले हम अपनी सरिया इसे रखें, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इस जगह से जितने का हमें बेंड करना है, हुक देना है, उतना आगे स्टील को ले जाएंगे, जैसे 100 mm का देना है, टिंडी देना है, टिंडी यानी 80 mm का, तो 80 mm इसको आगे लेके यहाँ से स्टिरअप्स को मोड़ देगा, पहला तैयार हो गया ये, ठीक। अब इसके बाद क्या करेगा, 170 वाला तैयार करेगा, तो इसको इधर घुमा के रखेगा, इसको इधर रखा और ये ऐसे बढ़ा के इस जो सरिया है यहाँ से इसे बेंड करेगा और फिर यहाँ से इस सरिया को बेंड करेगा, तो ये सरिया तैयार हो जाएगी इस तरह से कुछ, ठीक। अब ये सरिया क्या करेगा, इसको लगा देगा इस वाले हिस्से को इधर और यहाँ से ले जाके इस पे बेंड कर देगा, ठीक है। ये सब हम वीडियो में आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अड्डा बनाने का यही तरीका है, अगर जितने डायमेंशन है उतनी कील आपको यहाँ पे मार देनी होती है। चलिए अब साइड पे आप लेके चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको बताया था वैसा हम आपको साइड पे लेके आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो दो कील गड़ी है वो 170 mm जो एक साइड है उसके लिए है। आप देख सकते हैं इस फिगर में एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमने तीसरी कील गाड़ी यहाँ पे, जो कि फर्स्ट कील से लास्ट कील की जो डिस्टेंस है उससे हम 270 का जो साइड है वो तैयार करेंगे, ठीक है। देख लीजिए ये 270 का है और वो है 170 का, मारो सीधा ही में एकदम,
चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं रिंग। आप देख सकते हैं कि उसकी सहायता से हम कैसे रिंग बना रहे हैं। एक एक करके दो तीन रिंग बना के हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक एक करके ये रिंग बना रहा है, प्रॉपर तरीके से ईजिली बन रहा है। तो इस तरह से हम मैनुअली स्टिरअप्स बना सकते हैं एक अंडा तैयार करके, ठीक है। लोहा काट देते हैं, हाँ, अपन लोग रिंग वाला रिंग मोड़ ले जाते हैं, ले जाते।